तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं इवोलेट की ओर से जो है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। इससे पहले रेड कलर में आपने अगर चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आपने देखा होगा इवोलेट पोलो का रिव्यू। तो ये है इवोलेट की ओर से सेम उसी डिज़ाइन में, पोनी करके नाम है इसका। तो छोटी सी कॉम्पैक्ट सी डिज़ाइन की ये जो आपको जो है स्कूटर इवोलेट की ओर से आता है, क्या प्राइस रहने वाला है, क्या रेंज रहेगी, सिंगल चार्ज में कितना चल पाएगी और कितने पैसे देकर कितने रुपये देकर आप जो है इसे घर ले आ सकते हैं, इसकी बात फटाफट से करते हैं। सबसे पहले तो इसका मेरे को ना यहां तक का पोर्शन पूरा वो आपको वही ओला S1 या S1 प्रो की तरह लगा, लेकिन डिजाइनिंग के हिसाब से बहुत कॉम्पैक्ट सी छोटी सी जो है आपको ये देखने को मिलेगी। और कलर ऑप्शन आपको जो है बहुत सारे इसमें जो है देखने को मिलेंगे, जैसा कि ये टेस्ट राइड व्हीकल है। अब इसकी मैं टेस्ट राइड लेने आया था इवोलेट की ओर से। सबसे पहले जो लाइटिंग सेटअप है वो आपको जो है इसमें फुली LED देखने को मिलेगा, जो कि इसके बैटरी पे बिल्कुल भी लोड ना दे हैलोजन। तो इसमें जो लाइटिंग सेटअप है फुल जो है पूरा इसमें LED यूज किया गया है। आपको सिंपल सी जो है यहाँ पे की देखने को मिल जाती है। अब सेंटर लॉकिंग इसमें इसलिए नहीं मिल रही कि इसको जो है अंडर बजट रखा गया है, जिससे कि आसानी से जो लोग इसमें खरीद सकें, जो आपको इसमें जो ज़्यादातर जो नीड वाली चीज़ें हैं वही इसमें दी गई हैं, जो आपके लिए जो है प्रैक्टिकली जो ज़्यादातर जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहे। सबसे पहले अगर लाइट अगर मैं जला के दिखाऊं तो इसकी जो है फ्रंट में जो है इस तरीके से जो लाइट है ये जलती है पूरी जो है ये आपको LED सेटअप के साथ। साइड में DRLs मिलते हैं आपको यहाँ पर, इस तरीके से इवोलेट आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे हाई करूँ तो हाई बीम में ऐसी जलती है, लो बीम में ऐसी, इस तरीके से आप जो है यहाँ से इसका हाई बीम लो बीम ऑपरेट कर पाएंगे। और बाकी इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स आपको इस तरीके से LED शेप में देखने को मिलेंगे, फुली जैसे KTM में देखे होंगे आपने ऐसा ही कुछ जो है इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। अब जैसी अगर आप रियर में चलेंगे, जैसे आपने ये देखा यहाँ तक तो डिज़ाइन पूरा ओला से इंस्पायर्ड लग रहा है और वैसे ही लग रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और लाइटिंग सेटअप पीछे भी आपको पूरा जो है LED में देखने को मिलेगा, डॉट LED आपको जो है यहाँ पैटर्न में, यहाँ पे बीच में जो है स्टॉप लैंप आपको ये भी LED में मिलती है। और पीछे से कुछ जो है आपको इवोलेट की पोनी ऐसा डिज़ाइन के संग मिलती है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, आराम से अगर आपकी डेली की रनिंग है 30-40-50 किलोमीटर की है तो आराम से ये कवर अप कर देगी। और जो पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं खासकर पेट्रोल के, तो वो आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाले। और इसकी प्राइस क्या रहेगी वो भी बता देता हूँ मैं आपको, जो ये आपको जो है अगर रुद्रपुर से आप लेते हैं नंबर नीचे आपको मिल जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 58,000 की जो है आपको मिल जाएगी। बाकी नंबर दिए गए हैं हमारे रेफरेंस से आते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ जो है आपको यहाँ पर अगर हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको जो है कुछ छूट मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। अब यहाँ पे जो है इसकी लाइटें बंद करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से आप फ्रंट से देखें तो अच्छा खासा डिज़ाइन मिल रहा है आपको इस तरीके से। अब यहाँ से अगर रियर में चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्पेस है फ्लोर बोर्ड का स्पेस अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको जो नॉर्मल पेट्रोल स्कूटी आती है अगर आपने एंटॉर्क में भी देखा होगा तो इतना नहीं मिलता। तो अब आपके घर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आई है तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है घर के काम भी करेंगे इसमें, तो आराम से जो है यहाँ पर जो आगे अगर सिलेंडर रखना चाहें तो आराम से इसमें आ जाएगा, क्योंकि फ्लोर बोर्ड का जो साइज़ है वो अच्छा खासा इसमें जो देने की कोशिश करी गई है। और साइड से डिज़ाइनिंग की बात करें, डिज़ाइन में तो काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा दिखने वाला स्कूटर है ये। और रियर में आप चलें, सबसे पहले ब्रेकिंग की बात कर लें, ब्रेकिंग में आपको जो है फ्रंट और रियर में डिस्क यूज करी गई है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो ब्रेकिंग में कोई इफेक्ट नहीं आपको मिलेगा। और टायर भी काफ़ी अच्छे कॉन्टिनेंटल के यूज़ किए हैं इसमें, डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेंगी, कास्ट एलॉय व्हील्स है इसमें 90-100 सेक्शन का, 10 इंच का जो है आपको यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिलती है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहेंगे और ये कुछ रहता है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी मेरे को इसमें अच्छी खासी लगी। अब यहाँ से अगर साइड से देखें तो साइड में जो है आपको ये काफ़ी अच्छा है, फुटरेस्ट एकदम स्मार्ट तरीके से जो है इसमें डिज़ाइन करे गए हैं, जस्ट आप प्रेस करेंगे ये बाहर आ जाते हैं, इस तरीके से प्रेस करेंगे ये अंदर चले जाएंगे। तो ये डिज़ाइनिंग पे बहुत अच्छा काम किया गया है यहाँ पर। और ये पोलो क्लासिक की तरह दिखने वाला आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पे भी पोलो क्लासिक लिखा हुआ मिलेगा। सस्पेंशन दोनों ओर जो है रियर में आपको यहाँ पर यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे भी, और यहाँ पे पीछे रहती है BLDC जो है इसकी जो है फुली जो है वाटरप्रूफ मोटर, और पीछे भी कॉन्टिनेंटल का 90-100 सेक्शन का 10 इंच का जो है टायर प्रोफाइल मिलता है। और ये इसकी जो है पीछे व्हील हब में जो है मोटर रहती है, यहीं पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। अब ये रहता है पीछे रियर से अगर आप देखें, और पीछे यहाँ पे ग्रैब हैंडल ये आपको जो है सिल्वर फिनिश के साथ में मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब बड़ा सा जो है वाइट सा दिया गया है। अब सीट जो है अगर आप देखें तो सीटें जो है आपको इस तरीके से इस साइज की मिलती हैं, एकदम कॉम्पैक्ट सी जैसी स्कूटी है वैसी सीटें हैं,
हैं एकदम कह सकते हैं वाइड सी और छोटी सी, दो लोग तो आराम से इसमें जो है बैठ के जा सकते हैं। अब ज़्यादा ही अगर आप बिठाना चाहें तो पतले पतले तीन भी बैठ पाएंगे, बाकी दो बैठें तो काफ़ी सही है, तो रेंज भी थोड़ा बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सारे जो है यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल्स, ये हॉर्न का, ये इंडिकेटर का हो गया, ये लो बीम हाई बीम के लिए हो गया, और ये इसके सारे मोड हो गए, और ये है इसका फ्रंट का हेडलाइट का। अब ये रहता है इसका पार्किंग। एक चीज़ बहुत अच्छी है, अब ये स्टार्ट हो गई है स्कूटी, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ेगी, एक्सलेट कर रहा हूँ, ये नहीं बढ़ेगी। जैसी पी का ऑप्शन जो है आप ये दबा देते हैं, फिर जाके ये पी हट जाता है, तो रेडी हो गई है। अब ये काफ़ी अच्छा जो है उन लोगों के लिए जो कि जिनके आगे कोई बच्चे बच्चे रहते हैं, तो ये इनकी एक्सलेट करने की बहुत आदत होती है, तो यहाँ से क्या है एक तरीके से सेफ्टी फीचर्स ये काफ़ी अच्छा दे रखा है पी वाला ऑप्शन। अब जैसी फिर अगर आप इग्निशन ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं तो यहाँ पर फिर से जो है पी लिखा हुआ आएगा, तो ये सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पर ये पी ऑप्शन जो है दोबारा दबाना पड़ेगा स्विच। तो यहाँ पर आपको जो है सारा कुछ बताएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये इसका जो है स्पीडोमीटर है, नीचे ट्रिप मिल जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे आपको पूरा जो है बैटरी कितनी चार्ज है ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है, तो ये इसका जो है आपको फुली डिजिटल यहाँ पे मिलने वाला है। अब सीट की बात करें तो सीट का जो है अगर आपको सीट खोलनी है तो जस्ट यहाँ पे ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो ये सीट खुल जाती है पूरी, और ये इसकी एसेसरीज रखी गई हैं यहाँ पर, और जो बैटरी है बैटरी आपको जो है लिथियम आयन वाली देखने को मिलती है, जो कि इसकी जो पावर है ये सामने आपको जो है इसकी पावर सारी कुछ लिखी भी देखने को मिल जाएंगी। और सिंगल चार्ज में जो है इसमें जो है क्लेम करा जा रहा है 60 से 65 का, और जो कि आपको इजीली मिल जाता है, कंपनी थोड़ा ज़्यादा करती है, और जो प्रैक्टिकली जो इसमें मिल रहा है वो 60 से 65 का ही मिल रहा है, और नीचे जो है आपको यहाँ पे सेपरेट जो है बैटरी मिल जाती है लिथियम आयन। अगर मैं इसे खोल के दिखाना चाहूँ तो ये रहती है पूरी जो है आपकी जो है बैटरियाँ। अब इसको बाई चांस अगर आप निकाल के भी चार्ज करना चाहें, अगर आपका जो चार्जिंग पॉइंट है घर के जो है अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो ये निकाल के भी आप इसे चार्ज कर पाएंगे। कॉम्पैक्ट सी दिखने वाली स्कूटर है, काफ़ी अच्छी जो है, मेरे को डिज़ाइन बहुत पसंद आया, और ख़ासकर उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जिनकी सिटीज़ में थोड़ी बहुत अगर जिनका जो डेली का जो है यहाँ पे कह सकते हैं दुकान वाला काम है, इधर उधर का ट्रांसपोर्ट का काम है, छोटा सा जो एरिया कवर अप करते हैं 30 से 40-50 किलोमीटर देरी की रनिंग हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है ये। अब इसको फटाफट से जो है ड्राइव करके देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं दी गई है, तो ये इसलिए है कि बजट में पूरी बनाने की कोशिश करी गई है। अब इसे चलाते हैं फटाफट से, तो यहाँ से अब जो है हम इसे चलाएंगे, सबसे पहले ये इग्निशन ऑन कर दिया है हमने, स्टैंड जो है साइड स्टैंड हटा दिया, और यहाँ पे एक चीज़ है जो ये पी वाला जो मैं ऑप्शन बता रहा था ना, ये अभी आगे नहीं बढ़ेगी, जितना मैं एक्सीलेट करूँगा बिल्कुल भी जो है इसमें कोई असर नहीं है। अब जैसे अगर पी दबाते हैं ये हट गया, रेडी हो गई है यहाँ पे। अब जस्ट अगर आप यहाँ से चलाते हैं तो ये जो है आराम से ये इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसकी टॉप स्पीड अगर मैं बताऊँ कितनी रहने वाली है इसकी टॉप स्पीड, तो टॉप स्पीड जो है इसमें डिस्प्ले पे तो ये 27 तक जा रही है, वैसे जो है अगर मैं देखूँ तो ये जो है वही जा रही है 30-35 तक। अब एक बार और चला के दिखाएं इस पर फुल स्पीड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकिंग अच्छी खासी है। अगर फ्रंट ब्रेक अगर मैं अप्लाई करके देखूं, वैसे आप सडनली मत करना फ्रंट ब्रेक अप्लाई, रियर से स्टार्ट करना, और यहाँ पे जो है स्पीड अच्छी खासी मिल जाएगी इस तरीके से। डिस्प्ले पे देखना आप 24-25-26 तक जाती है, वैसे एक्चुअल में ये 35 से 38 तक जा रही है, जैसे स्पीड आपको इसमें जैसे मेरे को पता लग रही है, क्योंकि इस पर डिस्प्ले पर तो शो 27 तक कर रहा है। इस तरीके से जो है आपको मिल जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है जो कि डेली का जो है जिनका लोकल में ही जो है 40 से 50 का रन आसानी से हो जाता है, तो वो जो है इसे जो है एज अ कंसीडर कर सकते हैं। और जो पेट्रोल के प्राइस हैं जो कि अभी हाल ही में जो अभी मैं आज जो मैंने देखे हैं 103 रुपये चल रहा है पर लीटर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे प्राइस जो बढ़े हैं तो इससे जो है बस आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है वही बचा सकती है। अब एक जो है आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी कि ये ब्लास्ट हो जा रही हैं बैटरियाँ, ये हो जा रही हैं, तो कोशिश करिए आपकी जो स्कूटी है अगर आप इसको ले जाते हैं सुबह धूप में तो कोशिश करिए छाँव में खड़ी रखें, क्योंकि जो है बैटरियाँ जो है कई जो कंपनियाँ हैं वो है बाहर से इंपोर्ट करती हैं, तो कई बार कहा जा रहा है कि जो है वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। अब एक वीडियो काफ़ी जल्दी आ जाएगी कि बैटरी आजकल जो है क्यों फट रही है, उसकी आपको जो वीडियो एक डिटेल में आपको बना दी जाएगी कि क्या मेन रीज़न है।
अब आपको वो ज़रूर बताया जाएगा। अब यहाँ पे एक सजेशन यही है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए, अगर आपके पास है या ख़रीदना चाहते हैं तो उसको ज़्यादातर कोशिश करिए खड़ा करने की, जो है छाव में ही खड़ा करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों यही थी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ये इवोलेट की ओर से जो पोनी आती है उसकी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कॉम्पैक्ट से दिखने वाली स्कूटर है, टॉप स्पीड वही जा रही है, इसकी डिस्प्ले में तो 27 दिखा रहा है, वैसे 30 से 35 आराम से जो है ये चले जा रही है। और सिंगल चार्ज में जो है ये जो है 60 किलोमीटर की इसमें रेंज क्लेम कर रहे हैं एक्चुअल में जो मिल रही है, वैसे तो कंपनी थोड़ी ज़्यादा ही कर रही है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। प्राइस मैंने बता दी, यहाँ उत्तराखंड या रुद्रपुर के हिसाब से नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। 58,000 का जो है इसका जो है प्राइस है। अब बाकी फोन करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा अगर हमारे रेफरेंस से जाते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। चैनल नया है व्हीकल टॉक्स को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।